लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई, कांग्रेस ने मनपा मुख्यालय में बीजेपी नेताओं के एम्बुलेंस लोकार्पण कार्यक्रम में जमा हुई भीड़ पर बड़ा सवाल खड़े करते हुए इसे कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करार दिया है और पुलिस एवं मनपा आयुक्त से कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के नवीन भाई प्रवक्ता नासिर हुसैन ने आज कहा कि जब कांग्रेस के मंत्रियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर साइकिल मोर्चा निकाला था तब पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज किया था, लेकिन जब बीजेपी नेताओं ने मनपा मुख्यालय में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा की तब कार्रवाई की बजाय सभी खामोश हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी विधायक गणेश नाइक के एम्बुलेंस लोकार्पण कार्यक्रम पर नवीन भाई कांग्रेस ने बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पुलिस आयुक्त से कार्रवाई की मांग की है। मनपा मुख्यालय का यही वो कार्यक्रम है जहां पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधायक गणेश नाइक के 9 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया था। तस्वीर में दिख रही इसी भीड़ पर सवाल उठाते हुए नवीन भाई कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन ने कहा कि यह कोरोना प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के मंत्रियों ने डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ साइकिल मोर्चा निकाला था तब सिर्फ 15 से 20 लोग शामिल हुए थे, फिर भी पुलिस ने FIR दर्ज किया था। हुसैन ने सवाल उठाया कि जब कानून सबके लिए बराबर है तो बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। आइए सुनाते हैं कांग्रेस प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा। कल उन्होंने 8-10 एम्बुलेंस या 9 एम्बुलेंस कुछ दिया है, पर उन्होंने जो इवेंट मैनेजमेंट किया उस आज वो एम्बुलेंस दे रहे हैं, अच्छी बात है, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ कि एक नेक काम किया, पर इस एम्बुलेंस की ज़रूरत कब थी? जब सेकेंड लहर में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, तब आपके नेतागण आप लोग बाहर नहीं आ रहे थे। कल इवेंट मैनेजमेंट करके 500 लोगों का भीड़ इकट्ठा करते हैं, उस पर आपको कोई पुलिस को नहीं दिखता है। कांग्रेस नेता नासिर हुसैन ने कहा कि ये वही महानगर पालिका है जिसके अधिकारी शादी समारोहों में 10 लोगों से ज्यादा लोगों के शरीक होने पर 50,000 से 80,000 की पेनाल्टी मारते हैं, मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन यहां खुद कानून का पालन कराने वाले मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने खड़े रहकर कानून का मजाक बनने दिया, इसलिए आयुक्त के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। नासिर हुसैन ने कहा कि जल्द ही इस मामले को लेकर वे पुलिस आयुक्त से मुलाकात करेंगे और निवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। हम लोगों ने तेल पेट्रोल के प्राइस के ऊपर यहाँ पे एक साइकिल रैली, एक प्रोटेस्ट किया, जिसमें से मैंने पुलिस को खुद मैंने एक निवेदन दिया कि हमारे 2 कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, सिर्फ कोकण भवन तक मुझे जाना है, वहाँ निवेदन देना है, आप मुझे परमिशन दें। उन्होंने कहा ठीक है, 15 लोग आप जा सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे कुछ इकट्ठे हुए, वहाँ से आप लोग मीडिया के लोग भी गवाह हैं, सिर्फ हमारे साइकिल में 15 से 20 लोग ही गए होंगे। जब वहाँ जाते उसको भी साइकिल को कैबिनेट मंत्री के साइकिल को वहाँ के पुलिस प्रशासन ने रोक दिया, वहाँ से हम लोगों ने पैदल गए, मगर उस पे के भी FIR। आपके माध्यम से और मैं अपने लेवल से भी सरकार को एक निवेदन दूंगा कि इसके ऊपर जितना सख्त हो कार्रवाई हो, और जब कानून सबके लिए है ना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।